हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर शिराज। आज का जो टॉपिक था, लेक्चर था, वो था आर्ट ऑफ हिस्ट्री टेकिंग इन डेंटिस्ट्री। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ पेशेंट मैनेजमेंट की बात के बारे में बात की थी। ये उसी का सेकंड पार्ट है। अगर आप लोगों ने पार्ट वन फॉलो नहीं किया तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो पार्ट वन आप लोग काइंडली चेक कर लीजिएगा। और ये सेकेंड पार्ट है। ये मैसेज, ये लेक्चर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो लेट्स ही स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को लेमैन टर्म में आइडिया दूँ आप स्टूडेंट्स को कि आर्ट ऑफ हिस्ट्री टेकिंग डेंटिस्ट्री में क्या है। ये मैसेज सारे स्टूडेंट्स के लिए है। लिसन टू योर पेशेंट, ही और शी टेलिंग योर डायग्नोसिस। हिस्ट्री टेल यू वॉट इज इट एंड एग्जामिनेशन टेल यू वेयर इज इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोट है। इसमें आप लोग ये नोट करें कि कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डायग्नोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। अगर आप इसमें से कोई भी चीज़ मिस करते हैं या मिस्ड करते हैं, तो आप प्रॉपर डायग्नोसिस और प्रॉपर पेशेंट मैनेजमेंट नहीं कर सकते। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी एग्जामिनेशन करें या जब भी हिस्ट्री लें, तो पेशेंट की बात को प्रॉपर सुने। आपका फोकस पेशेंट के ऊपर प्रॉपर होना चाहिए। उस वो क्या बोल रहा है और कौन से दांत के ऊपर या ओरल कैविटी के कौन से एरिया में अपनी कंप्लेन आपको बताना चाह रहा है। हिस्ट्री टेकिंग है क्या? इसकी डेफिनेशन, हिस्ट्री टेकिंग इज डिफाइंड एज प्लान प्रोफेशनल कन्वर्सेशन फॉलोड बाय एक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ फैक्ट्स। यानी कि हिस्ट्री एक किस्म की प्रोफेशनल कन्वर्सेशन है बिटवीन पेशेंट और बिटवीन डेंटिस्ट और पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनको फैक्ट्स पे को आप रिकॉर्ड करते हैं। अब वो रिकॉर्डिंग जो होती है, या तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है या फिर पेपर वर्क के ऊपर होती है। पेपर वर्क के ऊपर जो होती है उसको हम हिस्ट्री के फॉर्म्स वगैरह के ऊपर कहते हैं, और ये कॉन्फिडेंशियल भी होती है। हिस्ट्री की क्लासिफिकेशन जो है मेडिसिन और डेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर भी आप देखें, तो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड है। टू टाइप्स इसमें मैंने बताई आपको। स्ट्रक्चर्ड हिस्ट्री, आर्ट ऑफ हिस्ट्री टेकिंग, वो क्वेश्चन होते हैं जो प्री डिसाइडेड फॉर्मेट के ऊपर होते हैं। यानी कि वो क्वेश्चन जो आपने पेशेंट से करने हैं, और पेशेंट वो आपको पहले से डिसाइड होता है, आप उनसे ये चीज़ें पूछेंगे। और ये बेसिकली हम इस उसको हम एक हिस्ट्री फॉर्म देते हैं, और एडीए के अपना एक स्टैंडर्ड है फॉर्म का, उनका अपना एक गाइडलाइन है। ये समझ लें स्टैंडर्ड फॉर्म की गाइडलाइन है, जिसके ऊपर उन्होंने कुछ क्वेश्चन मेंशन किए हैं कि डेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पेशेंट से क्या क्या क्वेश्चन करने हैं, तो वो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। देन अनस्ट्रक्चर्ड हिस्ट्री टेकिंग या हिस्ट्री की क्लासिफिकेशन, उसमें ये होता है, इसमें बेसिकली जो अनस्ट्रक्चर्ड होती है वो इसमें क्लिनिशियन का एक्सपीरियंस और सीनियर कंसल्टेंट का सीनियोरिटी के बेस पे उनका एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। वो आस्क कर लेते हैं बहुत सारे अनरिलेटेड क्वेश्चन एंड कम टू फेयरली एक्यूरेट डायग्नोसिस। दे स्कैन, दे चेंज द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन एज पर एज पेशेंट नरेशंस के ऊपर। तो ये तो आपको आ जाएगी ये चीज़ भी, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन किस तरीके से ले सकते हैं आप लोग, किस तरीके से कर सकते हैं, ये एक्सपीरियंस के साथ और नॉलेज के साथ आएगी। उसके बाद हम बात करते हैं एम ऑफ हिस्ट्री टेकिंग की। हर एक के एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हिस्ट्री टेकिंग के क्या एम्स हैं? एम्स ऑफ हिस्ट्री टेकिंग में गाइड द क्लिनिशियन इज डिसाइडिंग व्हाट द करेक्ट और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन व्हाट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विल बी नेसेसरी टू कंफर्म डायग्नोसिस। एस्टेब्लिश अ रैपोर्ट अप विद पेशेंट, गेन इनसाइट इनटू द पेशेंट मोटिवेशन एंड एक्सेस द पेशेंट एक्सपर्ट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डेंटल ट्रीटमेंट, रिवील एनी पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन, दे मे बी डिसाइडेड द नीड टू मॉडिफाई द ट्रीटमेंट प्लान। एम्स ऑफ द हिस्ट्री हमारे तकरीबन यही हैं कि पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करें
और उनके जो क्वेश्चन हैं, उनकी जो क्योरीज हैं, उनको हम रिजॉल्व करें। और सबसे पहली बात ये है कि आप हिस्ट्री के अंदर डेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से पेशेंट का जो फेयर है डेंटल ट्रीटमेंट या डिटेल के बारे में, वो आपने यहाँ पे उसको निकालना है। उनको इतना अच्छी काउंसलिंग करनी है उनकी आर्ट ऑफ हिस्ट्री के दौरान के उनको फेयर, जो डेंटल फेयर है वो एटलीस्ट कम आउट, ईज आउट हो उससे ना। देन फेज ऑफ हिस्ट्री टेकिंग के ऊपर हम बात करें। फेज ऑफ हिस्ट्री टेकिंग के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो फेज ऑफ हिस्ट्री टेकिंग तीन फेज है। इसमें सबसे पहला फेज है इंट्रोडक्टिव फेज। इसमें डॉक्टर को अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से प्रिंसिपल है हिस्ट्री ट्रेकिंग के। देन सेकेंड में आप उन पेशेंट्स की प्रॉपर लिसनिंग करो, जो भी अपनी प्रॉब्लम को बता रहा है उनकी प्रॉब्लम को बैठ के सुने आप। उसके बाद तीसरा फेज जो है, थर्ड फेज, वो है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, जो क्वेश्चनेयर आप लोगों का, या क्वेश्चनेयर जिसको बोलना चाहिए, हिस्ट्री का जो फॉर्म है उसमें क्वेश्चन के स्टेप्स होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं हर, तो वो आपने उनसे क्वेश्चन पेशेंट से आप कर सकते हैं। एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ हिस्ट्री टेकिंग, सबसे पहले एज अ स्टूडेंट, एज अ डॉक्टर, आपने इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड ग्रीट द पेशेंट बाय नेम। आपने सबसे पहले पेशेंट को एक दो पेशेंट के नाम से कॉल करें और अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं अपने नाम से। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, पेशेंट को आपने चेयर के ऊपर, प्रॉपर डेंटल चेयर के ऊपर आपने उसको सिट कराना है। उसके बाद आपने स्टार्ट विद ओपन क्वेश्चन, मिक्स और क्लोज क्वेश्चन, अवॉइड लीडिंग क्वेश्चन, मिस लीडिंग क्वेश्चन ऐसे आपने अवॉइड करना है। अवॉइड मेडिकल एंड डेंटल जार्गन। इसके अलावा उनकी बात को प्रॉपर तरीके से सुनना है। एक्सप्लेन द नीड ऑफ स्पेसिफिक क्वेश्चन इफ आस्क्ड, समराइज योर फाइंडिंग, असेस द पेशेंट मेंटल स्टेट और असेस द पेशेंट एक्सपेक्टेशन फॉर द ट्रीटमेंट। ये प्रिंसिपल बेसिकली आर्ट ऑफ हिस्ट्री टेकिंग के हैं। इसका रेफरेंस अगर मैं आपको बताऊँ तो कासन में दिया हुआ है, पुरानी ने इसके अंदर जो है आर्ट ऑफ हिस्ट्री टेकिंग का एक बॉक्स बना हुआ है कि इसमें यही चीज़ें मेंशन है कि आपने एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ हिस्ट्री टेकिंग के कौन से, उसमें ओपन क्वेश्चन और क्लोज क्वेश्चन के बारे में दिया गया है और पेशेंट को कौन से क्वेश्चन आपने करने चाहिए। तो इसके बाद जो बात आती है कि पेशेंट टाइप्स के ऊपर, के पेशेंट कितने टाइप्स के आते हैं क्लिनिक्स के ऊपर नॉर्मली ना, तो पेशेंट्स की जो टाइप्स हैं वो है, दो टाइप्स हैं, एम्बुलेटरी पेशेंट जिनको बोला जाता है और एक होते हैं इन पेशेंट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एम्बुलेटरी पेशेंट और इन पेशेंट में? एम्बुलेटरी पेशेंट वो पेशेंट होता है जो हु कैन वॉक टू क्लिनिक, जो आपके पास चल कर आया होता है, और इन पेशेंट वो होता है जो हु कैन नॉट वॉक इन। तो ये दो किस्म के पेशेंट्स आपके पास आते हैं क्लिनिक्स के ऊपर और ओपीडीज के अंदर। तो आपने इन दोनों पेशेंट को बहुत अच्छी तरह से जो है मैनेज करना चाहिए, और मैनेज करना होता है। देन क्वेश्चन होता है कि व्हाई वी नीड मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री की डेंटिस्ट्री में क्या प्रोसेस इंपॉर्टेंट है यार। क्वेश्चन ये हर स्टूडेंट यह करते हैं कि सर हमने दांतों का ट्रीटमेंट करना है तो इतनी सारी मेडिकल हिस्ट्री की क्या रेलिवेंसी है, क्या हम उससे इतने सारे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन पहले स्टूडेंट्स करते हैं, हमें ये क्यों पढ़ाया जा रहा है। देन मेडिकल हिस्ट्री का जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, पेशेंट वो पूछता है कि डॉक्टर साहब आपको मेडिकल हिस्ट्री के क्वेश्चन से आपको क्या लेना, आप तो दांतों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो उसकी जो रीज़न और उनकी जो जस्टिफिकेशन है वो ये है, यूज इन द डिसाइडिंग वेदर द पेशेंट कैन सेफली अंडरगो प्लान डेंटल प्रोसीजर अंडर लोकल एनेस्थीजिया, एल ए मीन्स लोकल एनेस्थीजिया, सेडेशन और जनरल एनेस्थीजिया। हाउ मेडिकल प्रॉब्लम कैन ऑल्टर द पेशेंट रिस्पॉन्स टू प्लान एनेस्थीजिया,
फिजिकल एंड लेबोरेटरिकल एग्जामिनेशन प्ले अ माइनर रोल ऑफ हिस्ट्री इज ऑब्टेन प्रॉपरली। देखिए इसमें दो एस्पेक्टर्स, दोनों एस्पेक्ट के दो से तीन एस्पेक्ट के ऊपर पूरा लेक्चर में बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन जो पॉइंट आउट करने वाली बात है, जो थिंग कहते हैं ना कि माइंड को में रिमेंबर या रिटेन करने वाली बात है, उसमें आपने पेशेंट को ये आइडिया ज़रूर दें कि भाई हमने जो लोकल एनेस्थीसिया का ट्रीटमेंट करना है, दांतों का जो ट्रीटमेंट होगा वो तीन तरीके से होता है, या तो वो लोकल एनेस्थीसिया लगा के होता है, या सेडेशन देते हैं उसमें बेहोशी बेहोश करके, नीम बेहोशी जिसको बोला जाता है, और बेहोश करके। तो आपके लिए की जो है मेडिकल हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। सेकेंड ये है कि जो एनेस्थीसिया होता है वो आपके प्लान को, और अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम है तो आपका जो ट्रीटमेंट हमने करना है वो थोड़ा बहुत ऑल्टर हो सकता है। तो ये अवेयरनेस आपने बिल्कुल पेशेंट को देनी है, और ये अवेयरनेस आप जब दे सकते हो जब आप खुद अवेयर होगे। इसके बाद क्वेश्चन होता है ऑप्टेन एन एक्यूरेट हिस्ट्री। हिस्ट्री के जो आर्ट ऑफ हिस्ट्री टेकिंग में जो छोटे छोटे से स्टेप्स हैं उसमें पेशेंट की हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिसको हमने CO शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, मेडिकल हिस्ट्री MH लिखी है, और इसके अलावा जो है हमने फैमिली हिस्ट्री FH लिखी है, और देन सोशल हिस्ट्री SH, पर्सनल हिस्ट्री PH, और डेंटल हिस्ट्री। ये शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट एब्रीवेशन हैं, अक्सर लोग लिखते भी हैं और आप लोगों को दिखती भी हैं। ये स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो यंग है, यंग डेंटिस्ट हैं, उनको अवेयरनेस देनी है, या शॉर्ट फॉर्म में भी इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन कुछ फॉर्म के ऊपर आपको ये पूरा पूरा लिखा हुआ होता है। हिस्ट्री टेकिंग स्किल्स क्या है? रिस्पेक्ट पेशेंट, सोशल वैल्यूज के ऊपर, ट्रस्ट, कॉन्फिडेलिटी, नो लीडिंग क्वेश्चंस। फॉर्मेट ऑफ हिस्ट्री टेकिंग जो है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जिस तरह मैंने बताया कि ADA की गाइडलाइन भी है हार्ट ऑफ हिस्ट्री टेकिंग के ऊपर, उनका फॉर्म का एक फॉर्मेट है, वो फॉर्म का स्केच मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये ADA का फॉर्म है, हेल्थ हिस्ट्री फॉर्म। इसमें डेमोग्राफिक डेटा पेशेंट का लिया जाता है, डेंटल इंफॉर्मेशन ली जाती है, मेडिकल इंफॉर्मेशन ली जाती है इसमें, देन इसमें आप अपनी रिपोर्ट जो है आप एंट्री करते हैं कि पेशेंट को जो भी प्रॉब्लम है। तो ये आप लोगों को ADA की वेबसाइट के ऊपर इजीली मिल जाता है, और जितने भी मेडिकल और डेंटल हॉस्पिटल्स हैं और कॉलेजेस हैं उन्हीं ने अपने अपने फॉर्म को डिज़ाइन किया होता है अकॉर्डिंग टू दिस गाइडलाइन। ये एक छोटा सा मैं परफॉर्मा है, हिस्ट्री प्रोफाइल है, डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने एक खुद ही इसी के बिहाफ पे बनाई थी। मैं अपने स्टूडेंट्स को कोशिश करता हूँ कि कभी कभार, क्योंकि मेरा जो तो मेन जो फोकस होता है वो पैथोलॉजी, ओरल पैथोलॉजी के ऊपर होता है, ये क्लिनिकल साइड पर आता है तो, और ओरल पैथोलॉजी है वो बेसिक साइंसेस का सब्जेक्ट है, लेकिन बीच में अगर कोई स्लॉट मिलती है तो मैं उन स्टूडेंट्स को गाइड कर देता हूँ हिस्ट्री फॉर्म के ऊपर। इसमें मेन वही चीज़ फॉलो की गई है, बायोडाटा पेशेंट का, डेमोग्राफिक डेटा, चीफ कंप्लेन, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन, देन डेंटल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री है, और रिव्यू ऑफ ऑर्गन सिस्टम। इसमें जो मेन एस्पेक्ट है जो स्टूडेंट्स को आना चाहिए, चीफ कंप्लेन जो कि पेशेंट की अपनी वर्डिंग होती है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन के बारे में मैं आप स्टूडेंट को एक कोशिश करूँगा छोटा सा इसी के ऊपर एक लेक्चर दे दूँ लिखा हुआ कि हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन आप किस तरह से लिखते हैं। देन इसके बाद डेंटल हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री है, और रिव्यू ऑफ सिस्टमिक ऑर्गन सिस्टम। ये सबसे अच्छा होता है कि आप स्केली के पॉइंट ऑफ व्यू से ABC करके अगर आप हिस्ट्री लिखते हैं। ABC मींस के उन्हीं ने एक पैटर्न फॉलो स्केली ने बताया है कि किस तरीके से आप सिस्टमिक एग्जामिनेशन कर सकते हैं, सिस्टम को रिव्यू कर सकते हैं। खैर ये इसके ऊपर सारी बात हो रही है, आई के ऊपर है, रिस्पायरेशन के ऊपर है, CVS के ऊपर है, GIT के ऊपर है, ये पूरी आपकी जो है ओवरऑल
के जो डिफरेंट ऑर्गन्स या डिफरेंट सिस्टम्स हैं उनके बारे में पेशेंट से जो है क्वेश्चन किए जाते हैं। तो ये मैंने इस तरह का एक स्केच बनाया था। देन उसके बाद जो है आप पेशेंट के जो है इसमें वाइटल साइंस लेते हैं, इसमें ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेटरी हाइट वगैरह, टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर वगैरह और पल्स रेट लोकल एनेस्थीसिया को भी अल्टर कर देता है, और एक्सट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बिल्कुल ब्लड प्रेशर को तो को ज़रूर मॉनिटर करना है। देन इसके बाद होता ये है कि इसमें हार्ट जो हिस्ट्री शीट होती है, हिस्ट्री फॉर्म होता है, वैसे तो पेशेंट अपना थोड़ा बहुत चीज़ें बाहर की कंट्री में तो वो खुद ही फिल कर रहा होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो आपको पता है कि पेशेंट जो है इतने अवेयर नहीं होते। हम कोशिश करते हैं कि उनको एक असिस्टेंट देते हैं जो कि उनको गाइडलाइन कर सके और उस फॉर्म को फिल करा सके। देन बायोडाटा की आपको मैंने जो बात की टेकिंग में, उसमें पेशेंट का नेम था, एज था, जेंडर था, सेक्स का, ऑक्यूपेशन था, एड्रेस था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम की रेलिवेंसी क्या है, एज किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑक्यूपेशन नेम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको एक तो रिकॉर्ड का और उसकी जो है रिलीजन का भी एक हद तक आइडिया हो जाता है। देन एज, हर एज, कुछ डिजीज जो सर्टेन एज के ऊपर होती हैं, जेंडर में किसी में, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से फीमेल में एस्थेटिक का बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है। इसी तरह ऑक्यूपेशन, डिफरेंट ऑक्यूपेशन जो होती है डिफरेंट प्रॉब्लम डेंटल की कॉज कर रही होती है, लोकेशन वाइज, एड्रेस, या ये भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हिस्ट्री का। प्रेजेंटिंग कंप्लेन, जैसे मैंने आपको बताया कि पेशेंट की ओन वर्ड्स में होनी चाहिए, नो मेडिकल टर्म शुड बी यूज टू राइट अ प्रेजेंटिंग कंप्लेन। हमारे यहाँ होता है कि वो पेशेंट की जो है की जगह हम डॉक्टर्स मेडिकल टर्म को लिख देते हैं, तो उसको उससे आप अवॉइड करें। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन सेम ऑर्डर एज प्रेजेंटिंग कंप्लेन। मैंने आप लोगों को बताया था कि हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन के ऊपर मैं प्रॉपर एक आप लोगों को स्लाइड शेयर कर दूंगा, बता दूंगा कि हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन किस तरह लिखते हैं। इसमें याद रखिएगा, जब प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है तो आप जब छोटा सा पेन की हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें पेशेंट कहता है मुझे कंटिन्यूस दर्द आता है, फ्रीक्वेंस दर्द आता है, इंटरमिटेंट है, या ओकेजनली कभी कभार हो रहा है। तो वो याद रखिएगा कि आप डेंटिस्ट को बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए कि अगर वो कंटिन्यूस प्रॉब्लम बता रहा है कि मुझे कंटिन्यूस पेन है, तो उसको सिम्टम्स जो वो बता रहा है अपने वो कितना इम्पोर्टेंट है। कंटिन्यूस में कंस्टेंट, कॉन्स्टेंट मीन्स के ऊपर 90 to 80 टाइम 100% वो पेशेंट पेन के अंदर है, फ्रीक्वेंटली 75%, इंटरमीडिएट 15% और ओकेजनली 25%। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में आप, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में आप पेशेंट से जो है सर्जिकल हिस्ट्री और डेंटल हिस्ट्री लेते हैं। ये मेडिकल हिस्ट्री में आप वही कार्डिक प्रॉब्लम, रिस्पायर जीआईटी की अंदर प्रॉब्लम, या सांस की कोई बीमारी, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में भी पूछते हैं। सर्जरी नॉर्मली 6 मंथ या लास्ट ईयर कोई अगर कोई मेजर सर्जरी हुई है तो उसमें आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि लोकल जनरल एनेस्थीसिया पेशेंट जनरल जीए में जा चुका है या नहीं जा चुका, उसकी एक अलग अपनी वर्थ है उस इस क्वेश्चन की। इसके अलावा पास्ट डेंटल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसलिए है कि लोकल एनेस्थीसिया का मेन चीज़ है कि पेशेंट को अवेयरनेस है लोकल एनेस्थीसिया की, या पेशेंट लोकल एनेस्थीसिया ले चुका है या नहीं ले चुका, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और दूसरी एस्पेक्ट ये है कि पेशेंट को उसका एक्सपीरियंस दांतों के ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहा, बैड एक्सपीरियंस था, फेयर गुड एक्सपीरियंस था, या एक्सलेंट था, तो ये पेशेंट आपको अवेयरनेस दे देता है कि उसका एक्सपीरियंस प्रीवियस डेंटल ट्रीटमेंट का कैसा रहा था। तो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री आप लोगों को ये गाइड देती है। ड्रग हिस्ट्री ज़रूर पूछनी चाहिए, क्योंकि ड्रग हिस्ट्री में होता ही है कि पेशेंट, बहुत से पेशेंट सर्टेन ड्रग्स से उनको एलर्जी होती है, और
उसमें होता ही है कि पेशेंट को आप दवा दे देते हैं, मेडिसिन दे देते हैं, बाद वक्त एलर्जी रिएक्शन आ जाते हैं। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि ड्रग हिस्ट्री में आप पेशेंट को पूछ लें कि आपने कभी कोई मेडिसिन ली, पेन किलर ली। अगर वो ले चुका होता है तो उसका मतलब है कि आप उसको इजीली दे सकते हैं। तो ड्रग हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेंटल हिस्ट्री के अंदर, आर्ट ऑफ हिस्ट्री टेकिंग डेंटल हिस्ट्री में। सोशल हिस्ट्री या फैमिली हिस्ट्री में आप जो है पेशेंट से स्मोकिंग के बारे में, पान छालिया वगैरह, ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। देन फैमिली हिस्ट्री आती है। फैमिली हिस्ट्री में आप लोगों को मैं एक चीज़ बताऊं कि फैमिली हिस्ट्री में कुछ फैमिली हिस्ट्री के अंदर कुछ डिजीज़ होती है जो फैमिली के अंदर रन करती हैं, जिसमें डायबिटिक मलाइटस, DM मीन्स डायबिटिक मलाइटस ब्लीडिंग डिसऑर्डर, या हाइपरटेंशन। डेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनकी इंपॉर्टेंस है। और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के हीमोफीलिया जिसमें आ रहे होते हैं कि पेशेंट को हमने मैनेज करना है या किस तरीके से करना है। स्पेशली लोकल एनेस्थीसिया में बहुत रोल है इसका। कुछ लोकल एनेस्थीसिया कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, उन वो लोकल एनेस्थीसिया, अगर मेरा कोई टॉपिक लोकल एनेस्थीसिया के ऊपर आया तो मैं आप लोग को ज़रूर उसका भी आइडिया दूंगा। देन डेंटल मटेरियल नहीं है, इसका मतलब डायबिटिक मलाइटस है। तो डायबिटीज़ का तो आपने बिल्कुल प्रॉपर, जो मैंने आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि एक तो फैमिली फिजिशियन जो होते हैं उनसे कंसल्ट करें और उनकी पेशेंट की प्रोफाइल पूरी मंगवाएं बिफोर डेंटल ट्रीटमेंट करने से पहले। और अगर नहीं है तो पेशेंट का HbA1c और FBS ज़रूर बिल्कुल उनको रिकमेंड करें टेस्ट के लिए कि ये मेरे पास लेकर आए, एज अ डेंटिस्ट आपने ये टेस्ट को देखना है ब्लड प्रेशर के साथ साथ। रिपोर्ट सिस्टम एक एग्जामिनेशन की जो मैंने आप लोगों को बात करी थी, इसका ली ने बताया है, उसमें पूरा एक प्रॉपर प्रोटोकॉल था अकॉर्डिंग टू ABC, जिस तरह मैंने बताया था ए अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। इसमें आपने रिव्यू ऑफ सिस्टमिक एग्जामिनेशन में आपने कार्डिक, CVS, रेस्पायरेटरी, GIT, CNS, म्यूकोस मस्कुलर स्केलेटन, एंडोक्राइन स्किन, और फीमेल में प्रेगनेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले लेक्चर्स में फिर कभी आप लोगों को स्पेसिफिक मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड करूँ कि CVS को किस तरह मैनेज किया जाता है। अगर कोई कार्डिक पेशेंट है, GIT सेट के साथ है, तो उनमें इसमें जो मेन एस्पेक्ट है जो मैं बिल्कुल मेरा इसमें इरादा है, प्रेगनेंसी के ऊपर पेशेंट को, फीमेल प्रेगनेंसी पेशेंट डेंटल में किस तरह मैनेज करना चाह को किस तरह मैनेज किया जाता है, इसके ऊपर एक प्रॉपर एक लेक्चर मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा कि ये मैंने ज़रूर करना है। अगर और सिस्टम के ऊपर बात नहीं कर पाया तो इसमें ज़रूर मैं बात करूँगा। इसके बाद जो हम बात करते हैं रिव्यू ऑफ हेड एंड नेक रीजन के ऊपर, आपने हेड एंड नेक रीजन के ऊपर आपने हेड एक, डिजीनेस, फेंटिंग, इंसोमिया, एयर के ऊपर जो है हेयरिंग लॉस, पेन वगैरह, आई के ऊपर, ये हेड एंड नेक रीजन के ऊपर आपने एक रिव्यू करना है। आई से रिलेटेड, एयर से रिलेटेड, हेड से रिलेटेड, नोज से रिलेटेड, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है इसमें। तो जब आप एग्जामिनेशन करते हैं नॉर्मली, जिसमें हम कहते हैं ना कि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड एंड नेक एग्जामिनेशन, फिर मींस एक्स्ट्रा ओरल हेड एंड नेक एग्जामिनेशन और इंट्रा ओरल एग्जामिनेशन, तो मेरा एक फोकस होगा कि एक्स्ट्रा ओरल हेड एंड नेक एग्जामिनेशन पे हेड एयर और आई से रिलेटेड डेंटल की क्यों इतनी ज़रूरी होती है, कि उसमें हम क्या देख रहे होते हैं। तो वो एक नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को जब एक्स्ट्रा ओरल हेड एंड नेक एग्जामिनेशन बताऊंगा तो उसमें आप लोगों को एक आइडिया दूंगा। देन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में पहले भी आप लोगों को इससे पहले बताया था कि रिकॉर्ड वाइटल्स आपने ज़रूर करने हैं, इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन सॉफ्ट टिश्यू के और हार्ड टिश्यू के लिहाज से, ये जनरल एग्जामिनेशन का पार्ट है। और ये MBBS वाले भी करवाते हैं, बहुत करवाते हैं, और हम लोग भी इसमें बहुत ज़रूरी इसका रोल प्ले होता है। प्री ऑप फिजिकल एग्जामिनेशन हेड एंड नेक,
जब करते तो उसमें आप पेशेंट्स को जितनी भी रिमूवेबल प्रोसीजर्स को रिमूव करवा लें। थोड़ा सा मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंस्पेक्शन हम क्यों करते हैं। इंस्पेक्शन हेड एंड नेक के ऊपर सिमेट्री हेयर डिस्ट्रीब्यूशन जनरल से शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है। ईयर के ऊपर हेयरिंग ई एम और इफ रिक्वायर्ड। आई के ऊपर अगर हम इंस्पेक्शन करते हैं तो पेशेंट की इसमें सिमेट्री वगैरह, प्यूपल का रिफ्लेक्स वगैरह, स्क्लेरा और कंजक्टिवा देखते हैं। मूवमेंट एंड टेस्ट ऑफ द विजन। नोज के ऊपर सेप्टम, मिकोजा एंड इम्पेटेंसी देखते हैं। सॉरी ये नोज नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ये ओरल इंस्पेक्शन के ऊपर ओरल कैविटी के पॉइंट ऑफ व्यूज है। देन अगर इसकी बात करें हम इंस्पेक्शन के ऊपर, माउथ के ऊपर टीथ, मिकोजा, फेरिक्स, लिप, टॉन्सिल और टंग का एरिया। नेक के ऊपर थायराइड, लिम्फ नोड के ऊपर एग्जामिनेशन किया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है इसके ऊपर। देन पैल्पेशन में आप लोग टीएमजे पैल्पेट करते हो तो उसमें क्रेपिटेशन देखते हो, साइनस पेन, ओवर साइनसेस। माउथ के ऊपर सलाइवरी ग्लैंड को पैल्पेट करते हो और नेक के ऊपर थायराइड और लिम्फ नोड के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पैल्पेशन के ऊपर। लिम्फ एडिनोपैथी और लिम्फ एडिनाइटिस ये कॉमन कंप्लेन्स हैं पेशेंट्स की। और एक्सिलरी इनगोइनल और लिवर स्पीन जिस तरह आप पैल्पेट करते हो इसी तरह सर्वाइकल लिम्फ नोड को भी, एक प्रॉपर सर्जरी वाले तो बहुत इसको फोकस करते हैं कि लिम्फ नोड एग्जामिनेशन के ऊपर पैल्पेट करना। परकशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो वो हेड एंड नेक एरिया पे नॉर्मली परकशन इतनी तो नहीं है, लेकिन इनसाइड द ओरल कैविटी में हम परकशन कर सकते हैं। देन ऑस्कल्टेशन के ऊपर हम बात करें, रियल इन टीएमजे, नियम टीएमजे पे बहुत ज़्यादा ऑस्कल्टेशन एज अ डेंटिस्ट हम लोग ऑस्कल्टेट तो नहीं करते जिस तरह जनरल मेडिसिन वाले सीवीएस के ऊपर ऑस्कल्टेट करते हैं, हम लोग ऐसा नहीं करते इतना। तो इसमें यह होगा कि आपने नेक के ऊपर कैरोटिड पार्ट के ऊपर ऑस्कल्टेट करते हैं, ये एक अलग से एक टॉपिक है इसका। देन लास्ट में अगर हम बात करें तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस, हिस्ट्री टेकिंग के बाद हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मिनिमम जो है 4 और मैक्सिमम 5 होनी चाहिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस। कुछ डॉक्टर जो है 3 को भी रिकमेंड कर देते हैं, लेकिन 5 के ऊपर से ज़्यादा आपने नहीं बनानी होती डिफरेंशियल डायग्नोसिस। जब आप लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं उसके बाद जो है आप लोग इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। इन्वेस्टिगेशंस में आप लोग रेडियोग्राफ करवा रहे होते हैं पेशेंट से, या कोई हिस्टोपैथोलॉजी या लैब टेस्ट करवा रहे होते हैं। रेडियोग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेंटल रेडियोग्राफ है उसमें पेरिएपिकल, बाइट विंग, अक्लूजल, ओपीजी, लेटरल सेव ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी और मैंडेबल के पीएवयू और ओएमयू जो है ये जनरल सर्जरी के, सॉरी ओरल सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से 15 डिग्री या 30 डिग्री। नॉर्मली जो चेयर साइड, सॉरी नॉर्मल डेंटल क्लिनिक्स के ऊपर ज़्यादातर होते हैं हम पेरिएपिकल कर रहे होते हैं या ओपीजी को लिख रहे होते हैं। अक्लूजल और बाइट विंग जो है क्लिनिक्स के ऊपर ऐसा जितना रनिंग पे नहीं होता, लेकिन मैं आपको बताऊं बाइट विंग्स बिल्कुल किया करें केरीज को देखने के लिए प्रॉक्सिमल एरियाज के ऊपर। ये रेडियोग्राफ के ऊपर हर एक एक्सरे की एक अपनी इंडिकेशन है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जो कि मेडिसिन वाले तो उसको फॉलो करते हैं, डेंटिस्ट लेस अवेयर रहते हैं उसमें, जो हमारा फोकस होता है लैब इन्वेस्टिगेशंस का। लैब इन्वेस्टिगेशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एमबीबीएस वालों का तो काम ही लैब इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर है, लेकिन डेंटिस्ट जो होते हैं उससे इतना अवेयर नहीं होते। लैब इन्वेस्टिगेशन में आप लोग जो डेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, एफबीएस है पेशेंट की, फास्टिंग ब्लड शुगर, कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी, पीटी, एपीटीटी और आईएनआर। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री में आपको पेशेंट्स की आनी चाहिए, यूरिया, क्रिएटिनिन वगैरह।
ये मैंने आप लोगों को एक टेम्पलेट दिया हुआ है। ये जो है हॉस्पिटल बेस्ड सेटअप अगर है या हॉस्पिटलाइज पेशेंट है तो उसमें जो लैब की वैल्यूज होती हैं वो कुछ डॉक्टर इस तरह मेंशन करते हैं। ये डेंटिस्ट को नहीं पता होता कि ये लैब इन्वेस्टिगेशन में इस तरह कैसे लिखी जाती है, लेकिन रिपोर्टिंग के ऊपर लिखने का तरीका ये है। बायोकेमिस्ट्री जिस तरह में आपने केमिस्ट्री में बायोकेमिकल वैल्यूज दिए, ग्लूकोज, क्रिएटिनिन, कैल्शियम, क्लोराइड, पोटेशियम, CO2 वगैरह, इसी तरह नोटेशन, इस तरह शॉर्ट हैंड नोटेशंस को आपने ब्लड CBC के पॉइंट ऑफ व्यू से हीमोग्लोबिन, हिमेटोक्रिट, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, तो ये एक स्केच है। डेंटिस्ट इससे अवेयर नहीं होते, लेकिन MBBS वाले को ये आइडिया होता है। तो ये आप स्टूडेंट्स को मैंने एक आइडिया दिया है कि लैब इन्वेस्टिगेशंस पे आप लोग अगर नोट डाउन करना चाहते हैं अपने आर्ट ऑफ हिस्ट्री टेकिंग में या किसी भी डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर, तो इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और नॉर्मली इतने ही टेस्ट आप लोगों को आइडियाज होना चाहिए। खुशी होगी कि MBBS के ऊपर बात की है, रिपोर्टिंग के ऊपर कि रिपोर्ट्स किस तरह रीड की जाती हैं। फिर डॉक्टर और डेंटिस्ट का जो होता है, डेंटिस्ट का जो होता है एक ट्रीटमेंट प्लान आप पेशेंट का बनाते हो। यूजली ट्रीटमेंट प्लान जो होती हैं उसकी स्टेजेस होती हैं, लेकिन सबसे पहले आपने पेशेंट को की जो कंप्लेन होती है उसको सॉल्व करना होता है। डेंटल ट्रीटमेंट प्लान जो बनता है वो मिनिमम 4 स्टेजेस के ऊपर है। नंबर 1 स्टेज पे आप स्केलिंग और एक्सट्रैक्शन ऑफ होपलेस टीथ करते हो। सेकेंड स्टेज पे आप जो अगर आपका है उसमें आप फिलिंग और रूट कैनाल करते हो। थर्ड स्टेज स्टेप पे आप फ्लैप प्रोसीजर करते हो, यानी कि कोई फ्लैप देना है, फ्लैप मतलब मिकोजा को जो कट करके आप उठाते हो, फ्लैप रेस करना। और लास्ट स्टेज जो फोर्थ स्टेज है वो कॉस्मेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्राउन एंड ब्रिज डेंचर मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये ट्रीटमेंट प्लान डेंटिस्ट हर एक बनाता है। तो स्टूडेंट्स जो अपने हाउस जॉब पे हैं वो अपना ट्रीटमेंट प्लान, डॉक्टर ये पूछता है कि आपका ट्रीटमेंट प्लान क्या है, तो फर्स्ट में आप लोग स्केलिंग करो, दूसरे में फिलिंग करो, अगर कोई सर्जरी है थर्ड स्टेप पे वो रखो, देन फोर्थ स्टेप में आप वो प्रोसीजर करो जो कोई कॉस्मेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से है। प्रोसीजर अंडर एले ऑन अनसेडेट पेशेंट एज रीजनेबल एक्सप्लेनेशन विद एग्रीमेंट बाय द पेशेंट इन फ्रंट ऑफ द स्टाफ इज सफिशेंट होती है। कोई भी प्रोसीजर अगर आप लोकल एनेस्थीसिया में कर रहे हो तो स्टाफ की मौजूदगी उसमें ज़रूरी है, उसका कंसेंट के ऊपर, पेशेंट के कंसेंट के ऊपर। लेकिन अगर GA कर रहे हो और GA में कंसेंट चाहिए तो उस के जो रेलिवेंस है, गार्जियन है, इन केस ऑफ चाइल्ड अगर बच्चा है उसकी कुछ एज छोटी है तो उनके कोई रिलेटिव है तो वो आपको कंसेंट दे सकते हैं, वरना ये बहुत ज़रूरी है यंग डेंटिस्ट को और हाउस ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने लोकल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया में कंसेंट जो है अगर LA का प्रोसीजर कराना है तो एग्रीमेंट किस तरह करना है, और चेक अगर प्रोसीजर है तो अगर चाइल्ड है तो उनके गार्जियन को ज़रूर उनसे कंसल्ट करना है। इसके अलावा जो करें हम प्रोसीजर शुड बी एक्सप्लेन प्रॉपरली टू द पेशेंट, ये भी आर्ट ऑफ हिस्ट्री टेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा तो नहीं है, लेकिन समराइज करने में आपने पेशेंट को एक्सप्लेन करना है सारी चीज़ें कि मैं स्पेस को हिस्ट्री टेकिंग का पार्ट कहता हूँ कि आपने कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आप पहले बता दें कि पेशेंट को प्रॉपरली, कि कोई भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं तो प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दें। डेंटिस्ट वगैरह नहीं करते, लेकिन बताने पहले है कि हम इतने दांत आप लोगों के जो है, या तो इतनी टूथ की एक्सट्रैक्शन है, इतनी की दांत की फिलिंग है, इस तरह से करेंगे ताकि पेशेंट को अवेयर हो कि उसको हो क्या रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ताकि वो कन्फ्यूज ना हो ना, पेशेंट को आपने कन्फ्यूज नहीं करना। मोस्ट ऑपरेशन कैरी सम रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनवांटेड सीक्वले, पेशेंट शुड बी वार्न्ड एंड फॉर्मल नोट्स शुड बी रिकॉर्ड इन द पेशेंट फाइल। बाद वक्त होता यह है कि एज अ हाउस ऑफिसर जब हम काम करते हैं तो फाइल ब्रेक हो जाती है,
फाइल ब्रेक होना से घबराए नहीं। उसमें ये होता है कि फाइल ब्रेक ऑपरेटिव और एंडोडोंटिक्स बड़ी अच्छी बता सकते हैं कि आपकी क्या टेक्निक मिस्टेक होती है। नॉर्मली वो टेक्निक ही मिस्टेक्स होती है, आप फाइल जो होती है वो पुरानी हो चुकी होती है तो इस वजह से ब्रेक हो रही होती है। लेकिन उसमें ये है कि अगर खुदा ना खासा ब्रेक होगी तो आपने पेशेंट को ज़रूर इन्फॉर्म करना है और वो चीज़ रिकॉर्ड पे लानी है। ऐसा नहीं है कि आपने फाइल तोड़ी और बंद करके पेशेंट को घर भेज दिया, ये अनएथिकल चीज़ है। तो हमेशा डॉक्यूमेंट करें, प्रॉपर डॉक्यूमेंट करें ताकि खुदा ना खास्ता कल को कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो रिकॉर्ड के अंदर आपकी चीज़ थी कि नहीं ये चीज़ थी और पेशेंट को इस वजह से ये चीज़ हो सकती है और उसको अवेयर कर दें। तो सेफ साइड पे आप रहेंगे एज अ डेंटिस्ट हमेशा, आप जब आप कोई चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे डॉक्यूमेंट करेंगे। लास्ट में ये स्कैन मैं आपको दिखा रहा हूँ, कॉम्पोनेंट ऑफ केस हिस्ट्री और सामरी। ये स्केच और एक टेम्पलेट है, इसमें पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन है, चीफ कंप्लेन है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन है, पास्ट डेंटल हिस्ट्री है, इसके ऊपर मैंने अभी बात की, मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, एग्जामिनेशन मैंने आप लोगों को कहा कि जनरल एग्जामिनेशन के ऊपर हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, इंट्रा और एक्स्ट्रा ऑरल के ऊपर। इसके बाद आपने समरी लिखनी है, प्रोविजनल डायग्नोसिस जो आपकी वर्किंग डायग्नोसिस है जिसमें आपने फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि प्लान करनी है, उसमें आप लोग रेडियोग्राफ कराते हो, बायोप्सीज तो सच नहीं करवा रहे होते इतनी, लेकिन सीबीसी ब्लड ब्लड एग्जामिनेशन जिसको बोला जाता है, यूरिन एनालिसिस, एलएफटी वगैरह, ये हमारा एमआरआई वगैरह ऐसा जितना ताल्लुक तो नहीं है। लेकिन रिपोर्ट्स पेशेंट्स को हमेशा बोलिएगा कि जब भी आपके पास आए तो प्रॉपर अपनी रिपोर्ट मेंटेन कर रहे हैं, रिपोर्ट से मुराद है जितने भी टेस्ट वगैरह हो चुके हैं एक फाइल बना लें उसकी। देन ये सारी चीज़ें करने के बाद आप अपनी रिपोर्ट लिखते हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि रिपोर्ट लिखने का तरीका, और इसमें इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर मैंने आप लोगों को गाइड किया कि छोटी सी इन्वेस्टिगेशंस आप किस तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं। सारी चीज़ें के बाद आपकी फाइनल डायग्नोसिस होती है और ट्रीटमेंट प्लान के ऊपर बात की मैंने, और रिकॉल और इवेल्यूएट के मुताबिक हर डिजीज़ की अपनी रिकॉलिंग के टाइम्स हैं और इवेल्यूएट करने के साथ उनका एक अपनी गाइडलाइन है, हर एक डिजीज़ की अपना टाइम फ्रेम है कि आप पेशेंट को कब रिकॉल और इवेल्यूएट कर सकते हैं। तो ये स्केच है पूरा या ये टैबलेट है, आप इस टैबलेट को फॉलो करें तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी और सेफ साइड पे आप लोग, क्योंकि डेंटिस्ट्री चलती रहेगी। आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, क्योंकि लेकिन ये इन्फॉर्मेटिव लेक्चर था, देना ज़रूरी था। लास्ट में ये टेक होम मैसेज, आप स्टूडेंट के लिए भी पेशेंट को नेगेटिव होप्स नहीं देना, जो भी चीज़ें उनको सच बोलना, और वी विल डू एवरीथिंग वी कैन टू हेल्प। तो आप स्टूडेंट्स का थैंक यू, और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरा वो जनरल एग्जामिनेशन के ऊपर है, उसके बाद फिर इंट्रा ओरल में हम एक्स्ट्रा ओरल इंट्रा ओरल एग्जामिनेशन के ऊपर बात करेंगे। देन उसके बाद जो हम पैथोलॉजी के ऊपर आ जाएंगे, केजीज के ऊपर आ जाएंगे। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सबका बहुत बहुत शुक्रिया और सुनने का आज का, सॉरी आई एम रियली सॉरी अगेन रियली सॉरी कि काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया। थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।